हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बड़े होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग ना सुबह से हो रही है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। और आज ना मैं ब्लॉग अपने मायके से बना रही हूँ, क्योंकि कल हरेली के दिन मैं अपने मायके में आई थी, तो मेरी दीदी वो भी मेरे साथ आई थी। और ब्लॉग के लास्ट में मैंने आपको बता दिया था कि वो दोनों चली गई हैं अपने ससुराल की ओर और मैं यहीं हूँ। मैं कुछ दिनों तक ना यहीं पर रहूँगी और यहीं से ब्लॉगिंग करूँगी। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मतलब जो भी आप लोगों के कमेंट हैं वो आप करते जाइए, नए नए ब्लॉग में बनाते जाऊंगी और नए ब्लॉगों में ना मैं आपके पुराने ब्लॉगों के कमेंट भी पढ़ के उनके आंसर भी आप लोगों को देती जाऊंगी। तो पिछले ब्लॉग में भी कमेंट किए थे कुछ लोगों ने, तो सबसे पहले तो उन्हीं के कमेंटों का आंसर दे देते हैं, उसके बाद करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, आज तो मौसम ख़राब है, इसलिए घास के लिए ना मेरी दीदी वो चली गई है, तो मेरे पास फ़ोन की व्यवस्था हुई नहीं। बस मेरी भाभी का फ़ोन है, उसी के फ़ोन से मैं कमेंट पढ़ूंगी और आप लोगों के आंसर भी दूंगी। गिर गई थी अभी, तो पढ़ते हैं कमेंट और देते हैं आप लोगों के आंसर फटाफट। तो गाइस, जो मेरा पिछला व्लॉग अपलोड हुआ था, आपके सवाल और हमारे जवाब, ये वाला व्लॉग, तो उसमें ना कमेंट आ रहे हैं 8 कमेंट, तो उसी के आंसर मैं आपको दूँगी। मतलब जो भी आप कमेंट करते रहेंगे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं उनके आंसर देती रहूँगी। तो इस ब्लॉग में तो पहला कमेंट आर का है वीरेंद्र सिंह का, उन्होंने अति सुंदर लिखा है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा कमेंट आर का है सरिता रावत, जिन्होंने पिछले ब्लॉग में भी किया था कमेंट, इसमें भी किया है उन्होंने, तो उन्होंने इसमें लिखा है नमस्कार जी ममता, धन्यवाद आपका। तो थैंक यू, आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। और तो गया तीसरा कमेंट है सुमन आर्य का, उन्होंने लिखा है कि मैं भी मटकुट से ही हूँ, तो अच्छी बात है, मटकुट से हैं, खुशी होती है कि जब हमारे गाँव वाले भी हमारे ब्लॉग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू आपका। और चौथा कमेंट है कविता बिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन ममता जी, तो थैंक यू कविता का। और मेरा एक सवाल है कि पेमेंट आने लग गई आपकी यूट्यूब में से, तो पेमेंट तो अभी नहीं आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब में पेमेंट लाने के लिए सबसे पहले चैनल को मोनेटाइज करना पड़ता है, तो अभी ना मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी। वन के मोनेटाइज होने के लिए सबसे पहले तो 1K सब्सक्राइबर होना कंप्लीट चाहिए, तो 1K तो मेरे हो गए हैं, बट ना उसके लिए 4000 वॉच टाइम भी चाहिए, और अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी मेरी सैलरी नहीं आई। और सैलरी ना एकदम आती भी नहीं है, सबसे पहले चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही डॉलर बनते हैं, तो जब 100 डॉलर बन जाते हैं उसके बाद आती है सैलरी। तो वैसे मेरे हस्बैंड भी यूट्यूबर हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है इस चीज़ की, उन्होंने ही मुझे बताया है। तो कब से आती है पेमेंट यूट्यूब में, तो मैंने बता दी है कि कब से यूट्यूब में पेमेंट आती है। तो गाइस, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है आरजू रावत जी का, तो वो पूछते हैं कि हेलो ममता, बधाई हो, मैं बनने वाली हो, मतलब माँ बनने वाली हो, ऐसा लिखना चाहिए थे उन्हें, पर उन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बधाई दी है कि माँ बनने वाली हो, उनको भी थैंक यू। और नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है पीके रियार्स नाम से, तो इनका कमेंट है कि ममता दीदी जी, मैं शीला बोल रही हूँ, बधाई हो आपको, तो थैंक यू शीला जी। तो इतने कमेंट इस व्लॉग में थे और जिनकी रिप्लाई मैंने आप लोगों को दे दी है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपके कमेंट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपका मेरे प्रति प्यार बढ़ते जा रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने 4 कमेंट किए थे और इसमें 8 कमेंट हैं, उम्मीद करती हूँ कि अगले व्लॉग में और भी ज़्यादा कमेंट होंगे, और आपके कमेंटों के आंसर देने वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और आपकी रिप्लाई मैं देती रहूँगी। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही अभी, तो अभी मैं घर में ही हूँ और ये है मेरे भैया के लड़के रियान से। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह सुबह से हो रही है, और अभी मौसम देखिए हमारे गांव का, तो एक बार दिखाते हैं आपको सबसे पहले अपने गांव का मौसम। तो गाइस, मौसम तो आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए कोहरा ही कोहरा लग रखा है, और कोहरे की वजह से ना सामने के घर भी धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं, इतना सारा कोहरा लग गया है अभी। तो गाइस, आज ना गांव में मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से ना मेरी दीदी वो सुबह चले गए हैं घास के लिए, ताकि बाद में बारिश आएगी तो तब तक वो घर आ जाएंगे घास लेके। तो वो सुबह सुबह चले गए हैं आज घास के लिए, और मैं घर में हूँ, और मेरे साथ ना सरस्वती भी घर में है, और इतने ठंड के मौसम में नहाने गई थी। तो गाइस, कल हमारे अपना हरेला का त्यौहार था, जिसके लिए ना मेरी ताई की लड़की सुनीता और उसके बेटे भी आ रहे हैं अरुण, ये देखिए ये है अरुण। अरुण इधर देख, तू मेरी वीडियो देखता है ना, कैसे लगता तुझे मेरी वीडियो, मस्त। तो गाइस, ये अरुण है मेरी दीदी का लड़का, मेरे ताऊ की लड़की के लड़का है ये, तो इस तो ये ना कहता है कि मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये मेरी वीडियो देखता है अपनी मम्मी के फ़ोन में, और इनका गांव बुखाली है।
तो अच्छा है जब ऐसा कोई कहते हैं कि मुझे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ अच्छा लगता है, या फिर कोई भी ऐसे कहता है कि आपकी वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतने लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर हो रही है। गाइस आजकल के टाइम पे ना ये देखिए घुघुती आ रखी है, ठंडियों के टाइम पे, ये बरसात के टाइम पे घुघुती आ रखी है गाँव में, बिजली के तारों पर बैठी हुई है दो घुघुती। और यहाँ पे ना हमारे गाँव में खूब मिर्ची हो रखी है। अरे ना तूने रोटी खा दी? नहीं खाया अभी। और देखिए जिस दिन पे पिछली बार आए थे मैं, उस दिन इस पे ना हल्के हल्के फूल लगे थे ककड़ी के झाड़ पे, और आज ना खूब सारे फूल लगे हैं पर ककड़ी नहीं लगी है अभी तक, एक भी नहीं फूल लगे हैं खूब सारे। और ये है सौरे, सौरे तो कहाँ जा रहा? अच्छा। और ये है करेले का लगुल, और इसमें ना करेले लग गए हैं, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के टाइम पर ना सब्जियां हमारे घरों में ही हो जाती हैं, तो वो करेला है, करेला भी हो रखा है गांव में। और ये छिमला है, और भी अभी लगा नहीं है ना छिमला, बस इनके झाड़ हो रखे हैं बड़े बड़े, हरा भरा हो रखा है आजकल चारों तरफ। तो गाइस अभी ना बाहर बहुत बड़ी वाली बारिश आ गई है, थोड़ी देर पहले तो थोड़ी थोड़ी आ रही थी, अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। देखिए हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम पर ना मौसम थोड़ा सा खुल चुका है, दिन में बारिश हुई हल्की हल्की, उसके बाद मौसम थोड़ा सा खुल गया है। और अभी भी ना मैं घर पे ही हूँ, और कल यहाँ आज यहाँ पे दो ट्रेल रिंग कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको इनकी ट्रेल रिंग। ये दोनों, ये है मेरी दीदी और ये रही भाभी, ये दोनों सीख रहे हैं यहाँ पे सिलाई, मतलब इसको तो आता है बट अभी भाभी अनट्रेन बंदी है, और एक बार ख़राब कर दिया है पैजामा तो उसको फिर से खोल रही है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। ये वाली सूट सिल रखी है भाभी ने, छुटी हुई नहीं हुई पर ठीक हुई रह, पहली बार में सही सिल रहा बात तानवी बड़े थे। और ये वाली सूट सिल रखी है भाभी ने, और अभी सलवार की सिलाई यहाँ पर हो रही है। तो गैस भाभी और मेरी दीदी ना घर में ट्रेलिंग कर रहे हैं, तो मैं सुबह के टाइम पे भी घर में ही थी और शाम के टाइम पे भी, तो घर में ना एकदम बोरिंग सा लग रहा है, इसलिए मैं जाऊँगी अपने गौशाला की ओर। थोड़ा सा हमने अपने लिए नमक ला रखा है, पिसा हुआ नमक, और इसको खाएंगे हम कच्चे आड़ू में, जो कि आजकल ना बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो गैस फाइनली ना हम गौशाला में पहुँच चुके हैं, तो गाय को घास हमने दे दिया है, और ये एक बकरी हमारे जो घर में है इसको ले जाना है अब, चल बस ले जा देते ही। तो गाय को घास हमने दे दिया है, ये रहा गाय का बछड़ा, तो चलते हैं अब। तो वैसे तो टाइम ना 4:30 हो चुके हैं, बट थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे एक डेढ़ घंटा, उसके बाद घर को चले जाएंगे। तो चलाते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो बकरी को ला गए हम घास के बुग्याल में, जब तक बकरी करती है अपनी पेट पूजा तब तक हम भी करेंगे अपनी पेट पूजा। हमने बुला रखा है अपनी पेट पूजा करने के लिए आड़ू, कच्चे कच्चे आड़ू, ये तो खोल दी। और ये नमक मैंने पीस रखा है सुबह का, एकदम स्वादिष्ट वाला। तो गाइस ये देखिए, ये हैं कच्चे आड़ू जिसे कि हम नमक के साथ खा रहे हैं, और नमक मैंने बहुत ही टेस्टी हो रहा है। और पीछे उंगली बैठे हैं वो नहीं खाना चाह रहे आरो। तो गाइस अभी ना हम गौशाला से घर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ से ना हमारा कुड़ुंधार का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कुड़ुंधार मतलब जिस साइड हम रहते हैं मटकुट के, तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। तो एक बार दिखाते हैं आपको यहाँ से व्यू, तो आजकल के टाइम पे ना एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और बरसात के टाइम पे अगर मौसम बंद होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस अभी ना हम घर पहुंच चुके हैं, और इनकी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, नीतू एग। तो गाइस चलिए फिर करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं आपको जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खूब सारे कमेंट करें, और नए ब्लॉग में आपके कमेंटों के आंसर भी मैं दे दूँगी। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें,
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपना सपोर्ट मुझे दें। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट एंड न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।